आप देख रहे हैं अपना समाचार। एक बार गणपति बाबा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। दर्शक है जो मुझे देख रहा है इस टाइम पे, सभी के लिए गणपति बाबा मोरिया और आपके जीवन में ढेर सारी शुभकामनाएं आए। लेकिन बापा, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। आप पापा आज खुद आपके घर पे पधारे हुए हैं, आए हुए हैं। सबसे पहले तो रोहित शर्मा की खुशियां अपने शब्दों में बयां करें, क्या कहना चाहती हैं? मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि इस बार तीसरी बार पापा गणपति बाबा मेरे घर पे आ रहे हैं। पहली बार आए तो घर आया, दूसरी बार आए और खुशियाँ आई, तीसरी बार जब आए हैं तो एक पिक्चर आ रही है NH3, निरोवा हिंदुस्तानी 3 आ रहे हैं। बाबा का आशीर्वाद उस पिक्चर को ज़रूर मिले और हमारी पूरी ऑडियंस को भी वो पिक्चर ज़रूर पसंद आए। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा NH3, निरोवा हिंदुस्तानी 3। दिनेश जी के साथ में इसमें पहली बार काम कर रही हूँ, तो वो आशीर्वाद है, पापा ने आशीर्वाद दिया कि जाओ बेटा अच्छी पिक्चर में काम करो और मस्त रहो। गणेश भगवान के लेकर हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ कहानियां हैं। 3 वर्षों से जब गणेश भगवान का आगमन आपके घर पे हो रहा है, कुछ बदलाव सुभी शर्मा ने अपने जीवन में महसूस किया है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बॉम्बे में घर खरीदना सपना होता है। पहली बार जब आए घर हो गया, दूसरी बार आए तब भी बहुत कुछ अच्छी चीज़ें हुई थी बैक टू बैक, और तीसरी बार आए तो एक कार तो पहले से है मेरे पास, एक कार मेरी और आ गई, मर्सिडीज। पापा ने आशीर्वाद दिया कि इस बार बेटा ये कार लो, तो मैं पापा को उसी कार से, नई कार से घर पे आई हूँ। तो आई एम वेरी हैप्पी कि तीसरी बार मर्सिडीज, अब चौथी बार में पता नहीं पापा क्या देंगे, पर उनका आशीर्वाद ही काफ़ी है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, हर बार कुछ ना कुछ नया होता है, कुछ कुछ अच्छा अच्छा होता है लाइफ में। आपके परिवार से और कोई शामिल नहीं हुआ जो इस बार खास हो जाए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। दीदी रूपा दीदी आइए, दीदी है मेरी, अनु दीदी आई है, रूपा दीदी आई है, तो फैमिली से हमेशा कोई ना कोई आता है जो हर बार की तरह जिसके भी देखिए। तो ये भी बड़ी सिस्टर है रूपा दीदी, और जो डेकोरेशन किया है पूरा, हमने कहीं बाहर से किसी को बुलाया नहीं, सब कुछ पूरा डेकोरेशन रूपा दी और अनु दीदी ने, अनु ने किया है और रूपा दीदी ने, दोनों ने मिलके किया है। हाँ, मैंने थोड़ी बहुत हेल्प की है कि हाँ ये सही है, ये सही है, ऐसा अच्छा ठीक है लग रहा है, बाकी सारा शेयर पूरी मेहनत का, डेकोरेशन का, सजावट का दीदी के ऊपर जाता है। तो अनु दीदी और रूपा दीदी को थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी डेकोरेशन की और बाबा बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं, थैंक यू सो मच दीदी। शुभी जी, आपके पास तो वक्त होता नहीं है ज्यादातर शूटिंग यहाँ वहाँ बहुत ज्यादा होती है, तो इन चीजों के लिए कैसे वक्त निकालती हैं? गणेश भगवान की प्रतिमा का चुनाव करना, फिर ये सारे डेकोरेशन, ये ऐसे नहीं लगेगा काला वाला नहीं लाल वाला फूल, ये बात आपने बहुत ही अच्छी पूछी है। जब सबसे पहले फर्स्ट टाइम जब था, मन में श्रद्धा थी कि गणपति जी को बिठाना है, तो उस टाइम शूटिंग में थी मैं, और वो शूटिंग किसी एंगल से फील नहीं होता कि हाँ ये पैकअप अभी होगी, 3 दिन बाद ख़त्म होने का था, बट मन में आया कि बाबा आपको बिठाना है, शूटिंग जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए बस। अचानक ऐसा कुछ हुआ कि उन्होंने बोला सॉन्ग हम लोग बॉम्बे शूट करेंगे और अभी यहाँ पे पैकअप करते हैं। उस दिन पैकअप हुआ, मम्मी और मैं यहाँ पे आए और हैंड टू हैंड मूर्ति पसंद किया, सब कुछ चीज़ की, पहली बार गणपति भगवान ऐसे बैठे। उसके बाद भी जब जब टाइम आता है, सब कुछ अपने आप ही होता है, टाइम भी अपने आप निकलता है शूटिंग से या शो से, कुछ तो ऐसा चमत्कार है जो अपने आप होता है और अपने आप ही सब चीज़ें होती हैं। और मुझे अभी तक भी पता नहीं कैसे डेकोरेशन हो जाती है, कैसे बाबा आते हैं। और मूर्ति की जहाँ तक बात है, इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि जो मैंने पसंद की थी, चॉइस की थी, वो फर्स्ट टाइम आई है, वरना हमेशा ऐसा होता है कि जो मैं पसंद करती हूँ एंड टाइम में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि मूर्ति दूसरी आती है, बट इस बार जो मैंने पसंद किया पापा वही आए घर पे, वरना कभी क्रैक हो गई थी एक बार थोड़ी सी मूर्ति, फिर चेंज हुई, और जो पहली बार पसंद किया था वो उसने किसी और को दे दिया, कोई ऑप्शन नहीं बचा, तब दूसरी आई, बट इस बार मैंने पहले से बोलता भगवान जी इस बार जो मैं पसंद करूँ ना आपको ही आना है। शुभी जी, जब भगवान होते हैं 1.5 दिन तक आपके यहाँ पे पूजा पाठ होती है, बहुत कुछ पसंद होता है भगवान को, जैसे कहते हैं मोदक पसंद होता है, शुभी शर्मा को क्या कुछ पसंद है? मोदक तो ऑब्वियसली, तो बाबा को मोदक पसंद होता है, मोतीचूर के लड्डू पसंद होते हैं, और शुभी शर्मा को बर्फी पसंद है, जो बाबा की मिठाई के साथ में खुद की भी मिठाई लेके आ गई है, वो भी स्पेशली जयपुर से मैंने अपने लिए बर्फी और बाबा के लिए लड्डू मंगवाए हैं, मोदक, सब जयपुर से काफ़ी सारी मिठाइयाँ आई हैं।
और बाकी तो अपना बॉम्बे है ही। तो शुभी शर्मा को बर्फी पसंद है और गणपति जी को मोदक पसंद है। शुभी जी, अब मेहमान भी बहुत सारे आएंगे आपके यहाँ पे, सेलिब्रिटीज आते हैं उन्हें मेहमानों को खिलाने के लिए शुभी शर्मा ने कुछ बनाया है बट जहाँ तक बात है शुभी शर्मा जी ने क्या बनाया है, तो जिससे पहले मैं कुछ बनाने की कोशिश करती उससे पहले मेरी बहनों ने सब कुछ तैयार कर दिया था। तो मैं आज झूठ तो ऑब्वियसली मैं बोलती भी नहीं हूँ, आज के दिन तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि मैंने कुछ भी नहीं बनाया है, सब मिठाइयाँ बाहर से आई और खाना दीदियों ने घर पे बनाया। मुझे खाना बनाना आता है। अच्छा, ये खाना बनाना आता है। जो भी मेरी ऑडियंस है, मुझे खीर आती है, पूड़ी आती है, हलवा आता है, नॉनवेज में खाती नहीं इसलिए मुझे आता भी नहीं। नेक्स्ट मंथ के अंदर मेरी बहुत ही बड़ी पिक्चर आ रही है और बहुत अच्छी पिक्चर आ रही है, निरवा हिंदुस्तानी 3। मैं हूँ, अमरपाली जी हैं, दिनेश जी हैं, तो निरवा हिंदुस्तानी 3 को आप लोग ज़रूर देखिएगा। और उसके बाद भी बहुत सारी पिक्चरें आ रही हैं, ढेर सारी पिक्चरें हैं, जिसकी दरार 2 आ रही है, पागल दिलवा आ रही है, इसके अलावा कहानी किस्मत की आ रही है, तो ऐसे बहुत सारी पिक्चरें आ रही हैं। बट जो सबसे पहले दर्शकों के पास तक पहुंचेगी वो है NH3। मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, और सबके लिए ढेर सारी खुशियाँ। गणपति बाबा अपने हाथों से बरसाए, सबके जीवन में खुशियाँ हो, सब लोग खुश रहे, इसलिए गणपति जी का आशीर्वाद मुझ पर भी रहे और आप सब पे भी रहे।